बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने बैठकर गाया राष्ट्रगान, मुंबई बीजेपी के एक नेता ने दर्ज कराई एफआईआर। हम इंडिया को नहीं हरा सकते हैं, मुंबई टेस्ट से पहले न्यूजीलैंड खिलाड़ी पटेल की हुंकार। आज दोपहर 4 बजे कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर जानकारी देगा स्वास्थ्य मंत्रालय। ओमिक्रॉन को लेकर यूपी सरकार ने कसी कमर, बस स्टेशन रेलवे स्टेशन पर होगी आरटीपीसीआर जांच। अब गोरखपुर में भी जल्द दौड़ती दिखेगी मेट्रो, पीआईबी ने फेज 1 को मिली मंजूरी। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। सहारनपुर में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मां शाकुंभरी देवी राजकीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर गृह मंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके अपने यूपी दौरे की जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए ये एक विशेष दिन है। उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह, और इस दौरे को लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया है, और ट्वीट के जरिए उन्होंने बताया कि ये पश्चिम यूपी के लिए बहुत अहम दिन है क्योंकि मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय का आज शिलान्यास होने वाला है और खुद अमित शाह इसका शिलान्यास करेंगे। उनके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे और दोनों ही दिग्गज नेता जनता को संबोधित करेंगे। जनसभा के दौरान दोनों अपनी उपलब्धियों यानी कि बीजेपी की उपलब्धियों को गिनाएंगे। उत्तर प्रदेश के कार्यकाल में जिस तरह से बीजेपी ने उपलब्धियां हासिल की है, बड़े बड़े काम करे हैं, जिस तरह से राजनीति को बदला है, उस तमाम चीजों पर वो जनसभा को संबोधित करने के दौरान बताएंगे। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता सोहेल गौड़ जुड़ चुके हैं सहारनपुर से। सोहेल, जिस तरह से अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर आ रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? देखिए, मैं आपको बता दूं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत की जो है सहारनपुर के अंदर सभी तैयारियां जो है पूरी कर ली गई है। प्रशासन और बीजेपी के जो नेतागण हैं वो पहले ही सहारनपुर में डेरा डाल चुके थे, आज पूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 1 बजे बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से सहारनपुर पहुंचेंगे, जहाँ कुंवार का गाँव में शाकुंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वे एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे, साथ ही उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी जनसभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन ने बिल्कुल तैयारियां पूरी कर ली है। कार्यक्रम 312 बीघा जमीन पर हो रहा है, जहां विशाल पंडाल भी लगाया गया है। इस दौरान जमीन पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है, साथ साथ ड्रोन कैमरों के साथ साथ नजर रखी जा रही है। अभी एसएसपी जो है, एसएसपी से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने बताया कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा में 9 जो है एसपी लगाए गए हैं, 20 टीओ लगाए गए हैं, 65 इंस्पेक्टर, 330 सब इंस्पेक्टर, हजारों की तादाद में कांस्टेबल और अंडर ट्रेनिंग कांस्टेबल लगाए गए हैं। इसके साथ साथ जो 8 कंपनी पीएससी भी लगाई गई है। जी सोहेल, हम ये भी जानना चाहेंगे कि सहारनपुर में शिक्षा व्यवस्था कैसी है? मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने जब खुद अमित शाह आ रहे हैं, तो आखिर ऐसी क्या वजह है और ऐसी क्या खासियत है इस विश्वविद्यालय में जो अमित शाह खुद आ रहे हैं? देखिए, विश्वविद्यालय की बात करें तो शिक्षा का ये क्षेत्र है, तो खास बात तो यही है कि सहारनपुर में अब से पहले किसी भी प्रकार का जो है विश्वविद्यालय आसपास के काफी दूर तक मेरठ से पहले नहीं था। तो ये विश्वविद्यालय एक सौगात दी गई है, 52,000 करोड़ रुपए से ये बनेगा विश्वविद्यालय, और ये एक बड़ी उपलब्धि है बीजेपी सरकार के लिए जो वो जनता में प्रस्तुत करना चाहेंगे और साथ के साथ जो है आने वाले विधानसभा आगामी चुनाव में जो है अपनी ताल ठोकने का काम करेंगे। जी, तो बीजेपी का दबदबा रहा है सहारनपुर सीट पे या फिर कायम करने की कोशिश में है? देखिए, बात करें तो यहाँ मिला जुला हमेशा असर रहा है। कभी बीजेपी, यहाँ 7 विधानसभा सीट है, यहाँ पर जो है बीजेपी हमेशा 3 से लेकर 4 विधानसभा सीटों पर जो है हमेशा निकलती हुई आई है। जी, सांसद सीट की बात करें तो यहाँ पर सांसद सीट पर जो है 2014 में जो है सांसद जो है यहाँ पर बीजेपी के रहे, उसके बाद जो है 2015 में उपचुनाव में बीजेपी के सांसद यहाँ पर, बीजेपी के विधायक भी यहाँ पर रहे। लेकिन जो है बात करें तो मिला जुला असर सहारनपुर की जो है
राजनीति पर देखा जाता है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ सोहेल गौर जुड़े थे संवाददाता सहारनपुर से। फतेहपुर के धाता कस्बे पहुंचे राज्यसभा सांसद और बसपा राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा, जहां पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर संबोधित करते हुए सतीश चंद्र मिश्रा ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान, काशी और अयोध्या में मंदिर बनाने का काम जारी है, अब मथुरा की बारी है वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि केशव अपनी पार्टी की हार स्वीकार कर चुके हैं, जबकि चुनाव में विकास की बात नहीं करके, ना ही कोरोना में मरे लोगों के परिवारों की बात करके, महिलाओं की सुरक्षा की बात ना करके विवादास्पद बयान देकर लोगों से वोट मांगने का काम कर रहे हैं, लेकिन जनता अब विकास के मुद्दों पर वोट करेगी। पूरे प्रदेश में प्रबुद्ध सम्मेलन हम कर चुके हैं हर जिले में जा करके। अब जो हमारे चुनिंदा लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, उनके बीच में ख़ास तौर से जो हमारी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं उनमें हम लोग जा रहे हैं, जा करके उनको जो बहुजन समाज पार्टी की कैसी क्या रणनीति है, कैसे आगे बढ़ना है, सरकार बनानी है, उसके जो भी मुख्य चीज़ें हैं आज बहन मायती जी ने कई बार वो रोज़ाना कुछ ना कुछ अपना बयान में स्थित टप्पल ब्लॉक के गांव में स्कूली बच्चे हाथों में जूते और कंधे पर बैग लटका कर पढ़ने जाते हैं, लेकिन ड्रेस गंदी होने के साथ ही बैग भीगने का डर बच्चों को सताता रहता है। साथ ही तमाम तरह की बीमारियों का प्रकोप भी गांव में फैलता नजर आ रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस मामले पर मौन नजर आ रहे हैं। गाँव की दुर्दशा ऐसी बन गई है कि गाँव के रास्ते पर ताल तलैया पर बना तालाब जल मग्न नजर आ रहा है, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों के साथ साथ राहगीरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरह से पानी भरा हुआ जलमग्न पूरा एरिया दिखाई दे रहा है। मिर्जापुर की कटरा कोतवाली इलाके में सड़क किनारे लाइसेंसी पिस्तौल लावारिस हालत में पाई गई है, जिसे होमगार्ड ने लाइसेंस धारक को सौंपा। होमगार्ड ने बंदूक देते हुए कहा कि ये आपका निजी हथियार है, इसे सुरक्षित रखने का जिम्मेदारी भी आपकी ही है। आगे होमगार्ड कमांडेंट ने लाइसेंसी शस्त्रधारक को दोबारा ऐसी भूल नहीं करने की भी सलाह दी। मिर्जापुर में यातायात महीने का समापन करते हुए विंध्याचल परिक्षेत्र के उप महानिरीक्षक ने कहा कि जीवन में यातायात के नियमों का पालन जरूरी है। इस दौरान उन्होंने कई प्रतियोगिता के विजेता और ट्रैफिक के जवानों को सम्मानित भी किया। उन्होंने यातायात के संबंध में निबंध और कला में अच्छा प्रदर्शन करने वाले स्कूली बच्चों और यातायात महीने के दौरान अच्छा प्रदर्शन करने वाले सिपाहियों को भी पुरस्कृत किया। देवरिया में एड्स दिवस के मौके पर बीआरडीपी कॉलेज में एचआईवी एड्स पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी आलोक पांडे अतिथि के तौर पर मौजूद रहे, जहां उन्होंने कॉलेज के छात्र छात्राओं को एड्स से बचाव और रोकथाम के उपाय के बारे में बताया, जिसके बाद छात्र छात्राओं को सीएमओ और एचआईवी टीबी और ब्लड डोनेशन के मौके पर कराई गई प्रतियोगिताओं में जीतने वाले छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र दिए गए। आज विश्व एड्स दिवस पर यह एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कार्यशाला है जो माननीय प्राचार्य महोदय के निर्देशन में हो रही है, इसमें बच्चों ने प्रतिभाग किया। सभी बच्चों ने प्रतिभाग किया और उन्हें प्रशस्ति पत्र दिए गए हैं जिन्होंने अच्छा कार्य किया है। एड्स बचाव के लिए हमारे सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जो हर ब्लॉक में है वहाँ पर एड्स टेस्ट की व्यवस्था है, एड्स की जांच निःशुल्क हो रही है। जनपद में हमारा जनपद चिकित्सालय है, सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, इसके केंद्रों पर भी हमारी जांच हो रही है।
अलीगढ़ के छर्रा इलाके में निहाल सिंह इंटर कॉलेज में हड़कंप मच गया जब पता चला कि कॉलेज में तेंदुआ घुस आया है। इतने में तेंदुए ने एक छात्र पर हमला कर दिया। क्लास के अंदर जा रहे छात्र पर तेंदुए ने उस समय हमला कर दिया जब वो डर कर क्लास से बाहर लौट रहा था, लेकिन छात्र किसी तरह तेंदुए के हमले से बच गया। कॉलेज के प्रिंसिपल निहाल सिंह ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आम दिनों की तरह ही कॉलेज जब सुबह खुला तो बच्चों का कॉलेज में आने का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके बाद तेंदुए के कॉलेज में घुसे होने की जानकारी मिली। तो कॉलेज में तेंदुए घुसने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि एक छात्र पर तेंदुए ने हमला भी कर दिया। कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया है कि आम दिनों की तरह ही कॉलेज खुला था, जहां क्लास लेने के लिए बच्चे जब आए तो पता चला कि यहां कॉलेज में तेंदुआ घुसा है। तस्वीरें देख सकते हैं आप सीसीटीवी कैमरे में, ये तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं किस तरह से स्कूल के अंदर कॉलेज के अंदर ये तेंदुआ घूम रहा है। तो तेंदुए ने एक छात्र पर हमला भी कर दिया। क्लास के अंदर जा रहे छात्र पर तेंदुए ने उस समय हमला किया कि जब वो डर कर क्लास से बाहर लौट रहा था, लेकिन छात्र किसी तरह तेंदुए के हमले से बच गया। कॉलेज के प्रिंसिपल निहाल सिंह ने इस बारे में जानकारी दी और बताया कि आम दिनों की तरह ही कॉलेज जब सुबह खुला तो बच्चों का कॉलेज में आने का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके बाद तेंदुए के कॉलेज में घुसे होने की जानकारी मिली। तो अलीगढ़ से ये खबर सामने आई है जो छर्रा इलाके का मामला बताया जा रहा है। निहाल सिंह इंटर कॉलेज में हड़कंप मच गया तेंदुए के घुसने से। आपको बता दें कॉलेज के अंदर निहाल सिंह इंटर कॉलेज के अंदर तेंदुआ घुस गया और किसी को इस बात की भनक भी नहीं लगी। जब बच्चे कॉलेज में पढ़ने के लिए आए तो वहां पे देखा कि एक तेंदुआ मौजूद है, जिसने छात्रों पर हमला करने की कोशिश भी की, एक छात्र पर हमला भी किया, लेकिन किसी तरह से छात्र बच गया। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितेश जुड़ चुके हैं। नितेश, किस तरह से ये कॉलेज में आ गया तेंदुआ? शिखा, मैं आपको बता दूं, ये अलीगढ़ के थाना छर्रा की घटना है जी। और ये कॉलेज में उस समय हड़कंप मच गया जब तेंदुआ कॉलेज के चलते समय अंदर घुस आया। जब तक ये समझ आता तेंदुआ कहां से पर इतने उसे एक छात्रा पर हमला कर दिया, क्लास में अंदर जा रहा छात्र तेंदुआ ने उसे समय हमला कर दिया और डर कर क्लास के बाहर लौट रहा था तेंदुए के जी। क्या इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है नितेश? क्या पहले भी इस जगह पे या आसपास के इलाके में तेंदुआ आ चुका है? नहीं, ऐसी कोई घटना पहले नहीं हुई है जी। लेकिन आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। जब बच्चे कॉलेज में आ रहे थे उसी समय तेंदुए भी कॉलेज में अंदर आ गया जी। मतलब पहले से मौजूद नहीं था, सबके साथ में ही आया है। हाँ, उसने एक बच्चे को भी घायल कर दिया। बच्चे को ज्यादा चोट तो नहीं आई जी। सरकारी वन विभाग की टीम ने क्या कार्रवाई की है नितेश इस पे? वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए तेंदुए को पकड़ लिया गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता नितेश जुड़े हुए थे अलीगढ़ से। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।